आ रहा है। हाँ यहीं लगा के रख, यहीं लगा के रख, यहीं लगा के रख, अंदर अंदर कमरे में। हाँ यहाँ स्कोप लगा, स्कोप लगा, दूसरा लगा, इतना बड़ा लगा लिया तूने ये भोपूसा। भाई दूसरा लगा, दूसरा लगा, मुझे डर लग रहा है। क्यों भाई ये नहीं पता क्यों तो है। खुद पर ही बॉल ही फेंक दिया। आने दे, आ गया, आया आया आया, यही लगा के रख, एक के बाद एक आएंगे ठीक है। खत्म खत्म रेड डॉट। हेलो गाइस एंड वेलकम टू हु वांट बुलेट हो चैनल वंस अगेन। यार आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा स्ट्रीम करने का, सो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक आधे घंटा खेल लेता हूँ। एंड आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है मैंने पर्टिकुलरली पबजी लाइट वालों के लिए बनाई है। सो पबजी लाइट इज़ अ न्यू गेम इन नाउ इन ट्रेंड। सो आफ्टर एमुलेटर एंड पबजी मोबाइल ये गेम थोड़ी मॉडिफाइड वर्जन है एमुलेटर की, और पीसी की तरह ही है, काफ़ी फीचर्स इसके पीसी की तरह हैं। सो मैंने सोचा कि जो जो मेरे पे नए नए दोस्त हैं जो कि एमुलेटर से स्विच कर रहे हैं इस पे, और उन्होंने पूछा कि इसमें कौन कौन सी गन्स हैं जो कि यूज़ करनी चाहिए बिकॉज इनका रिकॉइल जो काफ़ी हाई है। सो मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है। सो फ्रेंड्स जो M416 है उसका रिकॉइल जो है एमुलेटर में काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा था जब मैंने खेला करता था, काफ़ी अच्छा उसका रिकॉइल। हालांकि यहाँ पे सारी गन्स का काफ़ी रिकॉइल हाई है रादर देन वन गन जो कि है स्कार एल के। मैं आपको अटैचमेंट्स भी बता देता हूँ कौन कौन से अटैचमेंट उसके साथ वो और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करती है। वो है आपका फ्लैश हेडर या फिर कंपनसेटर लगा लेना, उसके साथ वर्टिकल फोर ग्रिप और एक्सटेंडेड लग जाए तो मज़ा ही आ जाएगा अलग से। सो ये जो स्कार एल है इस गेम के पबजी लाइट की सबसे अच्छी गन मैं कहूँगा, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त लोग मेरे साथी जो भी हैं जो स्टार्ट कर रहे गेम खेलना ये नहीं नहीं तो ये गन काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी गन्स बेकार है, बस उनका रिकॉइल अगर आपको कंट्रोल आना चाहिए आपको ट्रेनिंग सेशंस में काफ़ी जाके हार्डवर्क करना पड़ेगा सो डैट आपको उनका रिकॉइल संभालना पड़े बैरल का। सो मूविंग ऑन टू द स्नाइपर्स, मेरे को मिनी इसमें काफ़ी अच्छी गन लगती है जो कि आपको ईजिली कॉम्बैट करने के लिए काफ़ी मदद करती है। अगर आपने ये गेम शुरू ही करा है खेलना तो आपको मिनी काफ़ी शॉट्स प्रोवाइड कर देती है जो कि आप एनिमीज पर ट्राई कर सकते हैं तो वेरियस रेंजेस एंड हालांकि K98 एंड M24 जो है वो भी काफ़ी अच्छा, लेकिन वो स्विच करती है जैसे ही वन शॉट के बाद स्विच होता है। सो मिनी जो है आपको वहीं पर ही फोकस रखती है, जूम इन करके रखती है विद आपके स्कोप के साथ। सो मेरे को लगता है मिनी इज़ द बेस्ट गन इस गेम के लिए जो कि स्टार्ट करे जिन्होंने खेलना। द बेस्ट गन ऑफ पबजी लाइट इज़ स्कारल एंड मिनी, ये जो दो गन से मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस पबजी लाइट के लिए। एंड हाँ दोस्तों आज ही पबजी पीसी में एक नया अपडेट आया है जिसमें कि उन्होंने व्हीकल को टर्न ऑफ करने का एक नया फीचर डाला है, फीचर डाल दिया है जिसमें कि आप चलते चलते अपने व्हीकल को ऑफ कर सकते हैं और एनिमी के स्पॉट पे आराम से पहुंच सकते हैं एंड आप उसको थ्रैश कर सकते हैं इजीली। सो ये नया फीचर है पबजी पीसी का देख जो कि पबजी लाइट में भी देखने को नया मिल सकता है, और इसके जल्दी कस्टम रूम शुरू हो जाएंगे, अपडेट्स आएंगे। तो अभी तो सिर्फ टेस्टिंग पे चल रहे हैं इसके कस्टम रूम्स, और प्रैक्टिस करो एंड टूर्नामेंट्स इसके जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जो मोबाइल के ऑर्गेनाइज़ हो रहे थे और पबजी लाइट के भी जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना। मैं ये पहली बार आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ इस वीडियो को वायरल जल्दी से जल्दी शेयर करना सभी दोस्तों को एंड कमेंट करना अगर ये आपको यूज़फुल लगी है तो। एंड दिल से थैंक यू सो मच मेरे को आपने जो सपोर्ट दिया है अभी तक यार, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज़ एंड जल्दी मिलेंगे, जल्दी लाइव मिलेंगे, थैंक यू सो मच भाई।